Hello students, today we will start with the entomology practical, the special paper. जैसे कि आपको मालूम है MSc third semester में practical 100 marks का है, जिसमें से 50 marks का general practical है, general paper का practical है और 50 marks का special paper का practical है. तो स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी में आपको क्या करना है प्रैक्टिकल्स में, लेट अस स्टार्ट विद द फाइल वर्क फर्स्ट. पहले मैं आपको फाइल किस प्रकार से बनानी है वो बताती हूँ, उसके बाद हम विजिट करेंगे लेबोरेटरी में और सारे स्पेसिमेंस इत्यादि देखेंगे. तो सबसे पहला जो आपके प्रैक्टिकल में है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन स्पॉटिंग करनी है आपको, जैसे कि आप स्पॉटिंग में देख आप और क्लासेस में भी कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में भी कर चुके हैं. तो यहाँ स्पॉटिंग में इंसेक्ट्स रखे जाएंगे. आपके सिलेबस में ये 20 इंसेक्ट्स जो हैं वो स्पॉटिंग के सिलेबस में आते हैं. सबसे पहला लेपिस्मा, लेपिस्मा यानी कि सिल्वर फिश, ये आता है ऑर्डर थाइसोन्यूरा. ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसल फ्लाई, ये आते हैं ऑर्डर ओडोनेटा. फोर्थ स्पेसिमन ईयरविक, इट बिलोंग्स टू ऑर्डर डर्मेप्टेरा. लॉन्ग हॉर्न्ड ग्रास हॉपर, और नेक्स्ट है ग्राइलोटेल्पा. ग्राइलोटेल्पा को मोल क्रिकेट भी कहते हैं. ग्रास हॉपर और क्रिकेट, ये दोनों के दोनों आते हैं ऑर्थोप्टेरा में, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा. नेक्स्ट इज पेरीप्लानेटा यानी कि कॉकरोच एंड प्रेइंग मैंटिस. प्रेइंग मैंटिस और पेरीप्लानेटा आते हैं डिक्टियोप्टेरा में, ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा. देन कम्स द ह्यूमन लाइस, जू जिसे कहते हैं, ह्यूमन बींग्स में बालों में जू पाए जाते हैं, वो भी एक इंसेक्ट है. माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप में उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिखाई देता है, तो पेडिकुलस कहा जाता है. ये आता है ऑर्डर साइफनक्यूलेटा. नेक्स्ट इज नेपा, ये एक्वेटिक इंसेक्ट है, इसको बग भी कहते हैं. और इसी तरीके से एक और बग है रेड कॉटन बग, जो कि कॉटन की जो फसल है उस पर पाया जाता है. रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं विंग्स में, रेडिश ऑरेंज कलर के स्पॉट्स. ये दोनों बग्स आते हैं हेमिप्टेरा में. तीसरा बग जो हेमिप्टेरा का है वो है ज्यूएल बग. ये ज्यूएल यानी कि चमकीला गहनों के सामान, आभूषण के सामान, तो ये ज्यूअल बग है, चमकीले कलर का बग होता है. ये आपको हम लैब में दिखाएंगे तब आप पहचानेंगे. तो तीनों बग्स आते हैं ऑर्डर हेमिप्टेरा. नेक्स्ट इज पैपिलियो ऑर्डेनस. पैपिलियो तो लाइम ट्रीज में पाया जाता है, यानी कि जितने की सिट्रस बटरफ्लाई भी कहते हैं इसको, तो जितने की सिट्रस फ्रूट हैं, संतरा है और नींबू इत्यादि, उनमें माल्टा, तो इनमें जो है ये बटरफ्लाई जो है एक पेस्ट की तरह होती है. आपने बहुत कॉमन बटरफ्लाई है, ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स, येलो कलर के स्पॉट्स होते हैं इसमें, ये दिखाएंगे आपको. दूसरी बटरफ्लाई है डैनस बटरफ्लाई, इसको टाइगर बटरफ्लाई भी कहते हैं. और ये दोनों आते हैं ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में. ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आते हैं सारी बटरफ्लाइज और मॉथ्स. देन वी विल स्टडी टू बीटल्स. दोनों बीटल्स आते हैं ऑर्डर कोलियोप्टेरा में. कोलियोप्टेरा में सबसे पहला स्पेसिमन है डंग बीटल. डंग बीटल जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, काऊ डंग इत्यादि जो गोबर होता है उसमें ये बीटल पाया जाता है.
और इसके आपने कई वीडियोस डिस्कवरी इत्यादि में भी देखे होंगे, तो हाइंड लेग से ये डंकी बॉल्स को जो है रोल करता हुआ नज़र आता है, यही इसका भोजन भी है। ब्लिस्टर बीटल एक ब्लैक कलर का बीटल जो कि ज़्यादातर आपको रात को दिखाई देता है लाइट्स के आसपास, इससे एक बड़ी बैड स्मेल निकलती है अगर ज़रा सा भी इसको डिस्टर्ब कर दो, और इसका जो ये सिक्रीशन है इससे ब्लिस्टर्स यानी कि फफोले से भी हो जाते हैं स्किन में। तो ये था, ये दोनों थे ऑर्डर कोलियोप्टेरा में। फिर आता है मॉस्किटो। मॉस्किटो मच्छर आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ये दोनों इंसेक्ट्स आते हैं ऑर्डर डिप्टेरा में। नेक्स्ट इज हनी बी, मधुमक्खी आपने बहुत देख रखी है, हनी बी और वैस्प ततैया जिसे कहते हैं, ये दोनों आते हैं ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा और मॉस्किटो हाउस फ्लाई आते हैं ऑर्डर डिप्टेरा में। तो ये तो थे सारे इंसेक्ट्स, 20 इंसेक्ट्स जो आपको स्टडी करने हैं। अब इनकी फाइल कैसे बनानी है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप MSc में बनाते हैं ड्राइंग फाइल्स, वो लेंगे ड्राइंग शीट पे आप डायग्राम बनाएंगे, वेल लेबल डायग्राम, और टॉप पे आप वर्गीकरण लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन वाली जो शीट है, जो लाइंड शीट होती है जिस पे लाइंस बनी होती हैं, सबसे पहले वर्गीकरण देंगे, क्लासिफिकेशन देंगे, क्लासिफिकेशन में ऑर्डर सब ऑर्डर फैमिली और स्पीशीज़ का नाम दिया जाएगा, साथ ही एक एक कैरेक्टर हर एक ग्रुप का आप देख दे सकते हैं कि आपने इस ग्रुप में इस इंसेक्ट को क्यों रखा है। फिर आता है हैबिट एंड हैबिटेट, आवास एवं स्वभाव, और लास्ट में लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं जिनको देख के आपने इंसेक्ट को पहचाना है। वी आर डिस्कसिंग ओनली द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल एनाटॉमी का कोई विशेष कोई लक्षण हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, बट मेनली द फोकस विल बी ऑन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्पेसिमन, दैट इज सबसे पहला स्पेसिमन हमने पढ़ा था सिल्वर फिश या लेपिस्मा। लेपिस्मा आता है ऑर्डर थाइसेन्यूरा में। ये केवल एक स्पेसिमन है जो हमने एट टेरिगोटा से लिया है। इंसेक्ट्स को आप जानते हैं, क्लास इंसेक्टा को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया है, ए टेरिगोटा एंड टेरिगोटा। ए टेरिगोटा मींस जिनमें विंग्स अनुपस्थित होते हैं, विंग्स आर एब्सेंट। तो ये लेपिस्मा जो है ए टेरिगोट है, इसमें एक्टोगनाथस माउथ पार्ट्स होते हैं, बाइटिंग चूइंग टाइप के, जो एक्सटर्नली आपको नज़र आते हैं। लंबा एब्डोमन होता है, पूरे 11 सेगमेंट्स नज़र आते हैं, और एब्डोम